Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 12, and the name of the chapter is Vector Algebra and 3D. 3D means three-dimensional object. It means I am talking about the object that lies in the space, and you have to do its analysis. It means you have to extract its information, like the position and the location of the object, about its surrounding of the object, and so on. So this topic is not just only for your mathematics, but it's a part of your physics also. And according to me, the whole physics depends on this chapter. So this topic is for everyone who want to prepare yourself for NEET as well as JEE. So this topic is for both JEE as well as NEET students. So everyone wants to qualify its physics exam, and the physics concept is based on these two topics. So I request to everyone, please try to do clear your each and every queries related to this chapter, because in this lecture I'm going to take each and every basic concept from starting to the ending by taking each definitions related to this chapter, and try to do explain each and every basic concept by taking so many easiest examples. So please be connect, because I'm going to prepare a series of video lectures on these two topics, because this topic is very very vast. So I hope you will enjoy this video. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end, because these videos are going to be more and more interesting. So I'm going to start our topic. मैंने जैसे नाम बताया आपको, वेक्टर एल्जेब्रा एंड 3D, ये हमारा एक टॉपिक का नेम है. This topic is basically a combination of two chapter. First chapter is your vector algebra, and the second chapter is three-dimensional object. और ये आपको पता लग गया कि ये टॉपिक्स किसके लिए है, मैथ्स के लिए भी जरूरी है और फिजिक्स के लिए भी जरूरी है. तो ये एक्चुअली दिस जो लेक्चर है वो साइंस स्टूडेंट्स के लिए है. तो जो आपने अपने नीट क्वालिफाई करना चाहता है, जेईई मेंस क्वालिफाई करना चाहता है, उनको अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा. और मैं कोशिश यही करूंगा कि आपके हर बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ क्लियर कराऊंगा, कोई रेटिफिकेशन नहीं. आपको एक्चुअली रियलाइज कराऊंगा कि एक्चुअली है क्या चीज वेक्टर, है क्या 3D. आप उसको स्टार्टिंग से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको ये टॉपिक इतना इजी लगेगा. आप कहोगे ये टॉपिक जो सबसे टफ टॉपिक है क्लास 12 का, चाहे आप फिजिक्स की बात करोगे, चाहे आप मैथ्स की बात, जो सबसे टफ टॉपिक काउंट होता है क्लास 12 का, वो यही टॉपिक होता है 3D एंड वेक्टर्स. लेकिन जैसे ही मेरा चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद आप ट्राई टू डू सॉल्व, आप नीट के क्वेश्चन उठा के सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा वेक्टर बेस पे, या आप जेईई मेंस के एडवांस के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और मैं आपको कहूंगा डेफिनेटली आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे. क्योंकि तो मैं ऐसा बेस क्रिएट करना चाहूंगा आपका कि आप कोई भी क्वेश्चन सबसे पहले, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे आपका जेईई मेंस या एडवांस का एग्जाम हो, सबसे पहले आप यही करना चाहोगे कि मैं वेक्टर और 3D के क्वेश्चन करूं. समझाया? इट मींस सबसे टफ टॉपिक को मैं इजीएस्ट बनाने की कोशिश करूंगा. तो यही मेरा इस वीडियो का क्या रहेगा, मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा. तो आई होप यू विल बी कनेक्ट विद मी. सो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फर्स्ट पार्ट, सो प्लीज बी रेडी फॉर द सेकेंड पार्ट ऑल्सो. तो अब मैं यहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं. टॉपिक क्या क्या टॉपिक है उसकी, कैसे नीट हुई आपको. तो जैसे हम आपस में डिस्कशन करते हैं, तो कुछ क्यूरीज आ जाती है. इट मीन्स क्या है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपस में. हम डिस्कस करते हैं, कोई ना कुछ क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज योर हाइट, तो आप क्या आंसर दोगे. कहोगे मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच 9 इंच या 6 फुट 2 इंच 6 फुट 1 इंच. इट मीन्स दैट इज द आंसर. मैं कहता हूं ठीक है. ऐसे ही मैं सेकेंड क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, कहता हूं हाउ शुड अ फुटबॉल प्लेयर हिट द बॉल टू गिव अ पास टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम. क्या क्वेश्चन कहा कि कैसे कोई फुटबॉल प्लेयर बॉल को किक करता है
और एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर के पास बॉल पास हो जाती है ऑफ हिज टीम। तो आप इसका भी आंसर दे सकते हो, लेकिन थोड़े से पजल हो जाओगे क्योंकि ये दोनों चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, दोनों में कुछ ना कुछ ट्विस्ट है। तो दोनों के आंसर एक डेफिनेशन या एक स्टेटमेंट में आप नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आप इसको समझ नहीं पाओगे कि इसका आंसर कैसे देना है और इसका आंसर कैसे देना है। क्यों? क्योंकि यहां से ही तो वेक्टर स्टार्ट हो जाता है आपका। इसके स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वन बाय वन टर्म क्लियर करेंगे, इसका आंसर आप इजीली दे पाओगे कि चीज क्या है और इसका क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले मैं फिजिक्स का टॉपिक की बात स्टार्ट करता हूं। क्लास 11th में सबसे पहला टॉपिक ही आपका क्या है? क्वांटिटी। किसकी बात कर रहे हैं? क्वांटिटी। अब आपसे ये पूछ रहे कि बताइए, डिफाइन करिए कि क्वांटिटी है क्या चीज। तो कोई डिफाइन करेगा कि क्वांटिटी है क्या चीज? तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। क्वांटिटी मीन्स क्या है कि एक ऐसी चीज, कोई भी चीज जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिस पर आप फिजिक्स के लॉज अप्लाई कर सकते हो, जिस पर फिजिक्स की ऑल प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हो, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड अ क्वांटिटी। क्या समझ आया? मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूं। एनीथिंग, कुछ भी चीज दैट कैन बी कैलकुलेटेड मेजर्स यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स on which physics laws can be applied physics laws and its properties and nature of the properties applies। क्वांटिटी क्या कहा मैंने? मैंने ये कहा कि कोई भी चीज, एनीथिंग दैट कैन बी कैलकुलेट, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो, यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर सकते हो, ऑन विच फिजिक्स लॉज, फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉ की बात करते हैं, हुक्स लॉ की बात करते हैं, सो मैनी लॉज होते हैं फिजिक्स में, आप उन सब की बात करते हो, यदि वो लॉज भी अप्लाई होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर, या कह सकते हो नेचुरल फिनोमिनन एंड नेचर्स प्रॉपर्टीज भी उस पर अप्लाई होती हो, तो दैट इज कॉल्ड अ क्वांटिटी। तो मैं क्वांटिटीज की बात करता हूं, तो इसे एग्जांपल से था। सबसे पहले मैं बात करता हूं लेंथ की। लेंथ क्या होती है? सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट दिस, जैसे मैं बात करता हूं क्वांटिटीज में, लेंथ की बात करता हूं, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लेता हूं, आप डिस्कस करिए। देखिए, जैसे मैं ले लेता हूं लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, velocity, acceleration, force, impulse, tension, stress, strain, current, voltage, प्रेशर, तो मैंने कितनी सारी क्वांटिटी लिख दी। ये तो बहुत कम क्वांटिटी लिखी थी, मैं और भी लिखना चाहूंगा, तो इस पूरे बोर्ड पे मैं इतनी सारी क्वांटिटी लिख दूंगा, जो आपने कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो उसने कम से कम 5-7 क्वांटिटी तो पढ़ी ही होगी।
कहीं ना कहीं देखी तो होगी, नहीं तो कहीं ना कहीं सुनी तो होगी। दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे कोई जो साइंस के स्टूडेंट्स है उन्होंने ये भी देखा होगा, यस सर इसमें से मैंने बहुत सारी क्वांटिटी देखी है, फिजिकल क्वांटिटी आपने रीड करी हुई है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज वो भी रीड करी हुई है। तो साइंस स्टूडेंट्स के लिए तो इसको आइडेंटिफाई करना समझना काफी इजी हो जाता है, बट जो आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स है जिन्होंने साइंस नहीं ली हुई, उनके लिए मेन ये चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि उनको समझना थोड़ा टफ लगेगा। क्यों? क्योंकि जो साइंस स्टूडेंट्स है वो तो ऑलरेडी इसको पढ़ते आए हैं, क्लास 11 से स्टार्ट हो जाता है ये आपका वेक्टर और सीडी का पार्ट तो। लेकिन जो आर्ट स्ट्रीम्स के है, जो आर्ट्स विद मैथ ले रहे हैं, उनके लिए थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन उनको लिए ही मैं यहाँ से क्या कहा मैंने, मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट से ले रहा हूँ। तो जो आर्ट्स का स्टूडेंट्स होगा उसने मास के बारे में भी सुना होगा, क्योंकि टेंथ तक तो उसने भी साइंस स्टडी करी हुई है, या लेंथ सुनी होगी, टाइम सुना होगा, डिस्टेंस, स्पीड, ये क्वांटिटी तो सुनी होगी। तो दीज आर द क्वांटिटीज। अब जो मैंने दो क्वेश्चन दिए थे, अब क्वेश्चनों के जवाब आते हैं, अब धीरे धीरे अब हम इन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे है जिसमें से एक कुछ क्वेश्चन हाइट से मैच करते क्वेश्चन है कुछ, और कुछ क्वेश्चन जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था उससे मैच करते हुए क्वेश्चन। अब वो कैसे है, उस क्वेश्चन के जवाब कैसे दिए जाएंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा डिस्कशन करना होगा, और डिस्कशन का मतलब क्या है, हमें बेसिक चीज समझनी होगी। अभी मैं थोड़ा सा क्लासिफाई करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपके मन में डाउट रह जाएगा। डाउट क्यों रह जाएगा, क्योंकि आप उसको अभी थोड़ा सा समझ नहीं पाओगे जब तक मैं उसको स्टार्टिंग नहीं करूंगा। तो जब हम क्वांटिटीज की बात करते हैं तो जनरली हम टू टाइप से क्वांटिटीज को क्लासिफाई करते हैं। तो हम क्वांटिटीज को टू टाइप से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज। और सेकंड इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटीज। तो साइंस स्टूडेंट्स वालों ने तो आंसर दे भी दिया होगा, यस स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शंस नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनकी डायरेक्शंस भी होती है, यही होता है। तो मैं थोड़ा सा डेफिनेशन लिख पाता हूँ, फिर इसका एक्सप्लेन करना चाहूंगा इसको धीरे धीरे। सबसे हम बात किसकी कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो आंसर क्या लिखोगे, दोस क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। तो कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन तो हम पता लगा लेते हैं कि भी नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, लेकिन क्वांटिटी में डायरेक्शन कहां से आ गई, और ये मैग्नीट्यूड क्या है। साइंस वाले ने तो दे दिया, लेकिन आर्ट्स वाले बदल हो गए। अब मैं उनके लिए ही बताना चाहूंगा पहले कि यहां मैग्नीट्यूड क्या होता है, और मैग्नीट्यूड को बिल्कुल इजी से समझ सकेंगे जब मैं वेक्टर को स्टार्ट कराऊंगा। अभी थोड़ा जनरलाइज में नहीं बताता हूं कि मैग्नीट्यूड का क्या है, और जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब कह सकते हो किसी चीज का अमाउंट, अमाउंट मतलब किसी चीज की वैल्यू। फॉर एग्जांपल यदि मैं रोहतक से दिल्ली जाता हूं या दिल्ली से कोलकाता जाता हूं, तो यहां से यहां मैंने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यदि मेरे पास स्पीडोमीटर होगा तो मैं स्पीड कैलकुलेट कर सकता हूँ, यदि मेरे पास स्पीड पता है, मुझे टाइम पता है, तो मैं डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। यस, तो क्या मतलब है, यहाँ पे हम बात क्या करें, जैसे मैं स्पीड की बात करता हूँ, तो स्पीड कहते हो कि जो ट्रेन की स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो आपने क्या कहा, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन मूव कर रही है, ध्यान से समझिएगा। मैं एग्जांपल क्या ले रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि एक ट्रेन
is moving. With the speed of 80 किलोमीटर पर आवर. तो एक ट्रेन मूव कर रही है जिसकी जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है. तो यहाँ 80 किलोमीटर क्या है, उसका अमाउंट डिफाइन किया गया, उसकी वैल्यू डिफाइन की गई है, जिससे आप उसका आइडिया लगा सकते हो कि स्पीड की एक्चुअली मूवमेंट कितनी है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका एक स्केल होता है, स्केल पे 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, तो जब मैं स्केल की बात करता हूं तो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाती है 15 सेंटीमीटर, तो आपको अप्रोक्सीमेट उसका आइडिया बन जाता है कि 15 सेंटीमीटर तो इतना ही होता है. इट मीन स्केल का आपके पास आइडिया रहता है. सेम जब मैंने यहाँ कहा कि ट्रेन मूव कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आपके माइंड में एक आइडिया क्रिएट हो गया, यस 80 किलोमीटर के अराउंड स्पीड है, तो वो कितनी स्पीड होगी, इट मीन्स उसका अमाउंट ऑफ मोशन वो आपको माइंड में सेट हो गया, क्लियर हो गया. यस, तो इस चीज को क्या कहते हैं हम, 80 को क्या है हमारा मैग्नीट्यूड, इसमें लीजिए हमारा मैग्नीट्यूड जिसको आप डिफाइन कर पाते हो, उसके अमाउंट को स्पेसिफाई कर पाते हो, वो चीज क्या है आपकी अमाउंट. बट यहां पे मैंने कहा नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं कहा मैंने आपसे, ये नहीं कहा कि जो ट्रेन मूव कर रही है, अब मैं कहता हूं ट्रेन मूव कर रही है दिल्ली टू कोलकाता, या मैं कहता हूं कोलकाता टू दिल्ली, यदि मैं इसकी डायरेक्शन को हटा देता हूं, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ट्रेन मूव कर रही है विद 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बट ये डिफाइन नहीं करता मैं आपको कि वो दिल्ली टू कोलकाता जा रही है या कोलकाता टू दिल्ली जा रही है, तब तक ये चीज डिफाइन नहीं है. इट मीन्स मैंने डायरेक्शन डिफाइन नहीं करी कि कहां से कहां ट्रेन जा रही है. तो जब तक आप उसकी डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर रहे हो, तब तक ये चीज क्या है, आपकी स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है. इट मीन्स कोई भी ऐसी चीज जिसको डिफाइन करते टाइम उसके मैग्नीट्यूड से उसकी आइडेंटिफिकेशन हो, उसकी डायरेक्शन उससे कोई लिंक ना रखती हो, तो दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी. तो अब यहां से मैं इसमें से कुछ हाईलाइट करना चाहूं, तो जो आपने क्वांटिटी रीड करी हुई है उसको बेस पे आप ये पता लगाओ बाबू, यस ये क्वांटिटी क्या है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है. अभी वेक्टर डिस्कस नहीं किया, वेक्टर क्या होगी, वही ही डेफिनेशन, दोस क्वांटिटी विच हैज, यहां ओनली की जगह क्या पढ़ा जाएगा, बोथ, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो वो डेफिनेशन किसकी बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी. समझाया, दोस क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटीज. इसी को मैं थोड़ा सा मूवमेंट करता हूं, यही एग्जांपल करता हूं, चेंज नहीं करा मैंने एग्जांपल, यही कहता हूं अ ट्रेन इज मूविंग. अब विद अ स्पीड कुछ हटा के मैं यहां वर्ड लिख देता हूं, विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, तो यही स्टेटमेंट अब किसका एग्जांपल बन जाती है, ये एग्जांपल बन जाती है वेक्टर क्वांटिटीज का. क्यों, क्योंकि जब मैंने इसको कहा विद 80 किलोमीटर पर आवर किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इट मीन्स ये इसका मैग्नीट्यूड है, और जब मैंने कहा कि ये दिल्ली से कोलकाता की तरफ जा रही है, इट मीन्स इसकी डायरेक्शन भी है. तो जब आपको मैग्नीट्यूड भी पता हो, डायरेक्शंस भी पता हो, तो वो क्वांटिटीज क्या होती है आपकी, वेक्टर क्वांटिटीज. तो यहां मैंने दो क्वांटिटी डिस्कस करी, यहां पे मैंने पहले वर्ड यूज कर रहा था स्पीड, तो जब मैं स्पीड यूज कर रहा था, स्पीड मतलब एस, एस मतलब यहां पे स्केलर क्वांटिटी आ गई. तो जब भी आप स्पीड की बात करोगे तो स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है. जैसे आप एक्टिवा चलाते हो, आप एक्टिवा की स्पीड कर देते हो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, कभी डायरेक्शन नहीं शो करता वो कि कौन सी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, सिर्फ क्या शो करता है स्पीडोमीटर, स्पीड कितनी है, क्या शो करता है कि आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हो, या साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, या ईस्ट टू वेस्ट, या वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हो, नहीं शो करता. इट मीन्स जो आपका स्पीडोमीटर होता है वो क्या शो करता है आपकी स्पीड को, क्लियर है. लेकिन जब कोई सी चीज को हम उसकी स्पीड के साथ उसकी डायरेक्शन को भी कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर वो क्वांटिटी एक डिफरेंट क्वांटिटी बन जाती है. तो उसी क्वांटिटीज का नाम चेंज होके, स्पीड चेंज होके क्या बन जाता है, वेलोसिटी.
चीज समझ आ गई, तो वो बन जाएगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं थोड़े से एग्जांपल्स को जो आपने रीड करे हुए हैं उसी एग्जांपल को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज है। अभी सारी क्लियर नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट हाईलाइट करने की कोशिश करिए, दो या तीन तो हाईलाइट करिए कम से कम। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, लेंथ, जब मैं कहता हूँ लेंथ मेजर करिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये आपको मार्कर देता हूँ और मार्कर के कहता हूँ प्लीज मेजर द लेंथ, तो आप स्केल लोगे, स्केल से इसकी लेंथ मेजर करोगे और ये बता दोगे सर ये तो 12 सेंटीमीटर है, तो मेरा आंसर क्या हुआ? मैं कहूंगा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 12 सेंटीमीटर यस। क्या आप ये बताओगे कि सर ये 12 सेंटीमीटर टूवर्ड्स ईस्ट है? क्या ईस्ट की डायरेक्शन में 12 सेंटीमीटर है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। क्या आप ये कहोगे कि ये 12 सेंटीमीटर टूवर्ड्स वेस्ट है? नहीं, ये तो जस्ट ओनली क्या है 12 सेंटीमीटर इन लेंथ है। इट मींस लेंथ को मेजर करते टाइम उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाइड नहीं किया जा सकता। इट मींस लेंथ क्या है आपका? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इट मींस 12 सेंटीमीटर ही काउंट होगी, इसकी डायरेक्शन इसके साथ कनेक्ट नहीं होती। तो ये क्वांटिटी क्या है आपकी? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हुआ ये चीज? अब मैं मास की बात करता हूं। मास की एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय अ बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी में कितना मैटर है। मैटर मींस अमाउंट ऑफ यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स कह सकते हैं इसे। सो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एनी बॉडी इज कॉल्ड द मास। तो जब मास को मेजरमेंट करते हो तो मास में क्या उसकी डायरेक्शन आती है कि ये मास कहां पर है, ये नॉर्थ से साउथ किस डायरेक्शन में है, या लेफ्ट से राइट है, या कैसे डायरेक्शन से? नहीं। तो जब भी हम मास की बात करते हैं तो मास दैट इज शो ओनली क्वांटिटी ऑफ मैटर, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर यहाँ पे क्या हो गया? जस्ट ओनली मैग्नीट्यूड, बट कोई डायरेक्शन नहीं होती। हम इसको स्पेसिफाई करते टाइम कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते। तो ये चीज क्या है आपकी? स्केलर क्वांटिटी। तो ये भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। जब मैं टाइम की बात करता हूं, टाइम, आपको पता है टाइम मेजरमेंट करने के लिए आप क्या यूज करते हो? क्लॉक यूज करते हो, वॉच यूज करते हो। तो वॉच क्या शो करती है? आपको टाइम बताती है। क्या ये बताती है कि आप 11:30 हो गए हैं टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन में, या आप 12:30 हो गए हैं टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन में? नहीं, जस्ट ओनली क्या बताते हो? टाइम 12:30, 11:40 यही बताते हो। इट मीन्स इसका भी क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड है, बट देर इज नो डायरेक्शन। तो टाइम की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जस्ट ओनली क्या है? अमाउंट। तो टाइम भी क्या है आपकी? एक स्केलर क्वांटिटी। समझ आया आपको? ऐसे जब मैं बात करता हूं डिस्टेंस की, यहां डिस्टेंस भी मेरा क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जैसे ही मैं यहां पे वर्ड यूज करता हूं डिस्प्लेसमेंट, तो ये चेंज हो जाता है। इसको कहता हूं मैं वी। वी मींस क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब कहोगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इतने समझ नहीं आया सर? यस, जब भी आप डिस्टेंस की बात करते हो तो डायरेक्शंस को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि कितना डिस्टेंस आपने कवर किया। तो यदि आप एक्टिवा पे जा रहे हो तो आप स्टार्टिंग में नोट कर लोगे कि कितने किलोमीटर एक्टिवा चली है, जैसे ही स्कूल पहुंचोगे तो एक्टिवा पे चेक करोगे कि कितने किलोमीटर हो चुके हैं, तो आपको एक पॉजिटिव यूनिट मिलेगी। अब वो पॉजिटिव यूनिट क्या शो करेगी? डिस्टेंस। कभी क्या एक्टिवा ये काउंट करती है कि अब 30 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गए, फिर 20 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में गए, फिर 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट में गए? नहीं, क्योंकि एक्टिवा स्पीडोमीटर के पास कोई भी क्या होता है डायरेक्शन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होता।
इट मीन इट शो ओनली द डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन क्या होता है कि पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, कि कोई भी बॉडी कैसे मूव कर रही है, उसने कितना पाथ कवर करा, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। तो कभी भी इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। तो डिस्टेंस क्या है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी। जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो मैंने कहा कि ये क्या, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई इट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि जब आप डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हो, डिस्प्लेसमेंट शो करता है कि पाथ कवर, ठीक है, पाथ कवर फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, मतलब बॉडी कहां पर है अभी स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का मतलब होता है इनिशियल, और डिस्प्लेस मतलब मूव कर गई दूसरी पोजीशन पे, चाहे वो पोजीशन टूवर्ड्स ईस्ट मूव करी है या टूवर्ड्स वेस्ट करी है, टूवर्ड्स साउथ करी है, वट एवर द मूवमेंट। लेकिन आप कहोगे ये कि जो ये बॉडी थी, कोई ऑब्जेक्ट था, वो पर्टिकुलर स्टार्टिंग में कहां पे था और आफ्टर डिस्प्लेसमेंट वो कहां पर है, टूवर्ड्स कौन सी डायरेक्शन में है, इट मीन डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई। तो इट मीन क्या बन गया, ये वेक्टर क्वांटिटीज। तो डिस्प्लेसमेंट की जनरल डेफिनेशन क्या हो जाती है, द डिस्टेंस बिटवीन द, और कह सकते द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नाम क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट। समझ आई? तो इनिशियल शो करता है कि जहां से बॉडी मूव कर रही है, फाइनल मतलब जहां जा रही है, इट मीन्स डायरेक्शन कहां है, इनिशियल टू फाइनल। क्लियर है? यदि आपकी बॉडी टुवर्ड्स नॉर्थ मूव कर रही है तो टुवर्ड्स नॉर्थ ये क्या है, इसकी डायरेक्शन है, और टुवर्ड्स नॉर्थ कितना डिस्टेंस मूव करी, दैट इज योर मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट की दो चीज हो गई, एक तो टुवर्ड्स वेस्ट कितना उसने डिस्टेंस कवर करा, दैट इज द मैग्नीट्यूड, और टुवर्ड्स वेस्ट दैट इज द डायरेक्शन। So any quantity that has both magnitude as well as direction, that quantity is called the vector quantities. Clear है? तो यहां मैं थोड़े से जनरलाइज केस देखी, तो छोटा सा एग्जाम्पल यहां समझ गए आप कि जब आप मैं स्पीड की बात करूंगा तो आप कहोगे स्केलर क्वांटिटी, जब मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो कहोगे वेक्टर क्वांटिटी, जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो आप कहोगे स्केलर क्वांटिटी, जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो क्या कहोगे आप, वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आप ये चीज समझ आई होगी। तो इतने सारी क्वांटिटीज के नेम नहीं पता, डेफिनेशन नहीं पता, तो जस्ट फॉरगेट इट। आपको बेसिक आइडिया तो क्लियर हुआ, यदि किसी की डेफिनेशन पढ़ जाते हो और आपको उसका मीनिंग क्लियर होता है तो आप डेफिनेटली ये बता पाओगे कि यस दिस क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी और दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इजिली बता पाओगे। तो आई होप आपने समझ आया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट दिस और पॉज द वीडियो, दो मिनट के लिए सोचिए और अपना आंसर बताइए जो मैंने आपसे पूछा था। मैंने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द हाइट ऑफ, तो मुझे अपनी हाइट बतानी, तो मैंने क्या कहा 6'2". तो ये क्या है, हाइट क्या है, क्या ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? क्या आंसर आएगा आपका, सर स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि जब मैं हाइट को डिफाइन कर रहा हूं तो ये कहता हूं कि 6'2", 6'2", क्या मैंने डायरेक्शन बताई, क्या मैंने ये कहा टुवर्ड्स ईस्ट है, क्या ये कहा टुवर्ड्स वेस्ट या टुवर्ड्स नॉर्थ है, नहीं, मैंने डायरेक्शन को एसोसिएट नहीं करा। जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आप जस्ट ओनली ये कहोगे उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करोगे, चाहे आपकी हाइट क्यों कितनी भी क्यों ना हो, फॉर एग्जाम्पल 5'7", 5'8", व्हाटएवर द हाइट, लेकिन डिफाइन करोगे जस्ट उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं करोगे। मींस हाइट की ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो इट मींस ये क्या है आपकी, एक स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? तो अब पॉज द वीडियो, अब मेरा सेकंड का आंसर सोचिए जरा और बताइए कि जो मैंने सेकंड क्वेश्चन दिया था कि एक फुटबॉल प्लेयर एक किक करता है फुटबॉल को, तो यहां कौन सी क्वांटिटी है, क्या वो स्केलर क्वांटिटी है, क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको अब आंसर देना है। तो प्लीज मेक अ नोट एंड ट्राई टू डू थिंक।
नाउ आपने सोचा कि सेकंड का आंसर क्या है? समझिए, ये एक फुटबॉल प्लेयर है, ये सेकंड फुटबॉल प्लेयर है, ए एंड बी, ठीक है। यहां पे लेट कर लेता हूं, दिस वन इज द बॉल, इसने इसको किक करा, किक करा, किक करने के बाद दूसरा प्लेयर ही है, ये बॉल यहां मूव हो गई, कहां से कहां मूव हुई? ए प्लेयर से बी प्लेयर के पास। इट मींस देखिए ध्यान से, बॉल कहां से कहां पास हो रही है? ए प्लेयर से बी प्लेयर के पास। इट मींस इसकी डायरेक्शन है। तो जब भी फुटबॉल प्लेयर किक करता है बॉल को, तो उसके माइंड में डेफिनेटली क्या होता है? एक पोजीशन होती है, एक डायरेक्शन होती है, वो उस डायरेक्शन में क्या करता है? किक करता है। इट मींस जो कोई क्वांटिटी होगी उसकी डायरेक्शन होगी सेकेंड। और यहां पे जो किक कर रहा है, किक करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी आपको? मस्कुलर स्ट्रेंथ, अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब यहां पे क्या है? मसल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो मसल स्ट्रेंथ प्लस में उसकी पोजीशन कि उसकी टीम का दूसरा प्लेयर कहां खड़ा है, तो उतनी ही मसल स्ट्रेंथ से उसी डायरेक्शन में वो क्या करता है? किक करता है। तो इस क्वांटिटी का नाम क्या आया? फोर्स। इसका मतलब जब किक करते हो तो आप फोर्स लगाते हो पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट पर, तो वो ऑब्जेक्ट आपका पर्टिकुलर उसी डायरेक्शन में मूव करता है ऑब्जेक्ट, और विद किसके साथ? मस्कुलर स्ट्रेंथ, मतलब कितना मैग्नीट्यूड। तो ये मस्कुलर स्ट्रेंथ का मतलब आपको क्या दे रहा है? ये आपको मैग्नीट्यूड देगा कि कितनी मसल स्ट्रेंथ से आपने उसको किक करा। ये आपको उसकी क्या देगा? डायरेक्शन देगा। तो इस क्वांटिटी को मैंने नाम दिया फोर्स। तो आपको पता है यहां पे इसका मैग्नीट्यूड भी निकल रहा है, इसकी डायरेक्शन भी निकल रही है। इट मीन्स फोर्स क्या है आपका? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हुआ? तो फोर्स क्या बन गई आपकी? एक वेक्टर क्वांटिटी। इस टाइप से यदि आपको हर डेफिनेशन रीड कराई जाए, तो आप रीड करके आप डेफिनेटली ये शोर कर सकते हो कि यस, दिस क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको समझ आया होगा। तो जस्ट जब भी कोई ऑप्शन क्वेश्चन पूछे आपसे, ये पूछे कि ये बताइए कि स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। तो डेफिनेशन पढ़ लीजिए उसकी और आप आंसर दे सकते हो। तो प्लीज मेक अ नोट। अब हम थोड़ा मैथ्स की तरफ बढ़ेंगे, अब मैथमेटिकली पोर्शंस में करेंगे। अब ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और भी बेटर वे से क्लियर होगी, जिसको स्टूडेंट्स को नहीं समझ आया था कि मैग्नीट्यूड क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, वो अब यहां से ध्यान से समझेगा, अब उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो क्योंकि अब हम बात करेंगे वेक्टर की, अब है क्या चीज वेक्टर, उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा मैथमेटिकल टर्म्स में। अब यहाँ फिगर के अकॉर्डिंग उसको समझना, ध्यान से समझना, बहुत इजी बन जाएगा ये टॉपिक। कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं वेक्टर की डेफिनेशन को अगेन रिवाइज करा रहा हूं। अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, इज कॉल्ड वेक्टर। उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर। एग्जाम्पल यहां पे मैं लेता हूं एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब समझना कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, आपको पता है लाइन का ना तो स्टार्टिंग पॉइंट पता होता, ना ही आपको एंड पॉइंट पता होता। इट मीन्स वो इनफाइनाइट लेंथ की होती है। तो जैसे मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ करी, यहां पर ना तो मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है कहां है, ना ही मुझे एंड पॉइंट पता है। जो डॉटेड लाइन शो क्या कर रही है? वो इनफाइनाइट लॉन्ग है। बट यहां पे मैंने कुछ एरो हेड लगाया, यहां अपवर्ड का एरो हेड है, यहां डाउनवर्ड का एरो हेड है, क्लियर है? इसका मतलब ये लाइन तो है, लेकिन लाइन के साथ यहां पे एक वर्ड मैं अटैच कर दूंगा, डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन का मतलब क्या है?
जिसकी पार्टिकुलर डायरेक्शंस होती है, जिसको आप कहोगे कि ये लाइन इस डायरेक्शंस में जा रही है, दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्टेड लाइन। तो यहाँ पे जो ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है, डायरेक्टेड लाइन है, क्योंकि ये अपवर्ड जा रही है और ये डाउनवर्ड जा रही है। और लाइन क्यों कहा, क्योंकि ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता ना ही हमें इसका एंड पॉइंट पता, इसलिए इसको क्या कहा, डायरेक्टेड लाइन। अब मैं ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये तो जैसे बोर्ड दिया हुआ है, आपको पता है बोर्ड की डायमेंशंस क्या होती है, जनरली तो होती है प्लेन टाइप से, क्योंकि लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, लेंथ कह सकते हो, ब्रेथ को इन टर्म्स ऑफ यहाँ क्या कह सकते हो, हाइट, ओनली दो ही डायमेंशंस होती है। वैसे तो थर्ड डायमेंशंस भी होती है इसकी, कुछ ना कुछ ब्रेथ भी होती है, लेकिन ये देखने में क्या लगती है, जीरो के अप्रोक्सीमेट लगती है, मतलब नेग्लिजिबल। जैसे आपका पेपर होता है, पेपर की कुछ ना कुछ तो थिकनेस होती है, लेकिन वो हम थिकनेस देख नहीं पाते, तो हमें इसकी सिर्फ लेंथ दिखाई देती है और इसको एक हाइट मान लेते, वो हाइट दिखाई देती है, इट मीन्स हमें दो ही डायमेंशन दिखाई देती है। तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है, ये कहाँ पे ड्रॉ करी है, बोर्ड पे, ये बोर्ड मेरा क्या बन गया, एक प्लेन। चीज समझाई, प्लेन की बात करूंगा तो मैं यहाँ टू डायमेंशन की बात करूंगा, मतलब किसी चीज को रिप्रेजेंट करना इन टू डायमेंशन में, उसको क्या कहते हैं, प्लेन। तो यहाँ मैंने जो लाइन रिप्रेजेंट करी है वो इन टू डायमेंशन में करी है, कैसे कर रहा हूं, यहां देखो ये लाइन कहां जा रही है, एक तो अपवर्ड जा रही है, यहां जा रही है ना, अपवर्ड को मैं एक डायरेक्शन मानता हूं, जैसे एरो हेड लगाता हूं अपवर्ड, एक डायरेक्शन हो गई। दूसरी लाइन आपको ये भी दिखाई दे रही है कि लाइन ऊपर तो जा रही है, लेकिन साथ साथ यहां आगे भी तो बढ़ रही है, देखो लाइन यहां से चली थी, यहां पर देखो कहां पहुंच गई, यहां आ गई, इसका मतलब लाइन आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है। इस साइड को मैं राइट डायरेक्शन को एक डायरेक्शन मान लेता हूं, ये सेकंड डायरेक्शन होगी, क्योंकि लाइन ऐसे मूव कर रही है ना, ऊपर भी जा रही है और आगे भी बढ़ रही है, इट मींस जो लाइन है वो दो डायमेंशन में वेरी कर रही है, मतलब दो डायमेंशन में वो इंक्रीज कर रही है, तो एक अपवर्ड और एक राइट डायरेक्शन। इट मीन्स यहाँ पे यदि एक्सिस की बात करता हूं, इस एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस मानता हूँ, इस एक्सिस को वाई एक्सिस, तो जो लाइन है वो ट्रेवल कहाँ कर रही है, एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से क्या बन गया आपका, एक प्लेन, जिसको आप क्या कहोगे, एक्स वाई प्लेन। फिर ऐसे ही आप वाई जेड प्लेन ले सकते हो, जेड एक्स प्लेन ले सकते हो, लेकिन याद रखिएगा प्लेन की जब हम बात करेंगे ओनली दो ही डायमेंशन की बात करेंगे, कोई भी हो सकती है वो दो, जो लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, लेंथ हाइट, इट मीन एक्स वाई, YZ, ZX, only दो ही एक्सिस एक टाइम पर यूज होगी, उसको क्या कहते हैं, प्लेन। तो यहां मैंने जो दो लाइन ड्रॉ करी है, कहां पे ड्रॉ करी है, ऑन द प्लेन पर। लेकिन यहां पे मैंने देखी ध्यान से, यहां पे मैंने एक 3D फिगर बनाया। 3D फिगर का मतलब क्या है, एक रूम सपोज करिए, जो आपका क्लासरूम होता है वो एक 3D फिगर है, उसमें यदि मैं मार्कर को ऐसे दिखा देता हूं ओपन स्पेस में, एयर में, तो ये एयर में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन को। लेकिन यहाँ तो इसका इनिशियल पॉइंट भी पता है, फाइनल पॉइंट भी पता है, इसको थोड़ा सा काउंटलेस मान लीजिए, मतलब ये आगे से आ रहा है, ये आगे तक जा रहा है। तो इस टाइप से ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन कहां पर, इन स्पेस में। तो यहाँ पे मैंने 3D स्पेस बनाया है, तो इसलिए 3D स्पेस में आपको एक लाइन दिखाई है, ये लाइन दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, तो ये मेरी एक लाइन है, ये मेरी लाइन रिप्रेजेंट ऑन द प्लेन है, ये लाइन मैंने कहां रिप्रेजेंट कर रखी है, इन द 3D स्पेस। तो इसलिए आपको जब फिगर बनाने, क्योंकि हमें हर चीज की 3D फिगर, 3D इमेज क्रिएट करनी है, तो कुछ चीज आपको इमेजिन करनी है, सोचना है, समझना है, यदि वो चीज कर पाते हो तो चैप्टर बहुत इजी लगेगा। इसे थोड़ा सा अपने माइंड को डेवलप करिए, इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज करिए। तो समझिए ये एक लाइन है, एक रूम है, रूम में मैंने ये मार्कर से एक लाइन दिखाई दे रही है, ऐसे मूव कर रहा है, तो यहां से कंटिन्यूसली बैक, यहां से आगे, तो ये लाइन मार्कर मेरा इस रूम में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है इन द 3D स्पेस में। क्लियर है? अब देखिए एक लाइन थी, अब मुझे वेक्टर को डिफाइन करना है। वेक्टर की डेफिनेशन आपने रीड कर ली कि उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। यहां पर आपको लाइन तो दिखाई देती है, इसका डायरेक्शंस भी डिफाइंड है, क्योंकि ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है वो तो डिफाइंड नहीं है ना।
तो मैग्नीट्यूड के लिए उसका आपको इनिशियल पॉइंट पता होना चाहिए और फाइनल पॉइंट पता होना चाहिए। और आपको पता है जब किसी लाइन का इनिशियल पॉइंट भी पता हो और आपको फाइनल पॉइंट भी पता हो तो उसको क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। इट मीन्स यदि हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, इट मीन्स एक पोर्शन ले लेते हैं किसी भी लाइन का, ठीक है, और कौन सी लाइन का, डायरेक्टेड लाइन का, मतलब एक पोर्शन ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन, उसको क्या कहेंगे हम, एक वेक्टर कहेंगे, क्योंकि डायरेक्टेड लाइन है, इट मीन्स डायरेक्शन भी है, और एक पोर्शन इट मीन्स उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता है तो उसकी लेंथ भी पता है हमें, तो लेंथ मीन्स क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड, इट मीन्स हमें मैग्नीट्यूड भी पता है, उसकी डायरेक्शन भी पता है, तो वो चीज क्या बन जाएगी हमारे लिए, एक वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां शो करा, ये हमारी लाइन थी, जैसे मैंने यहां शो करी, ये अपवर्ड मूव कर रही थी, ये भी अपवर्ड मूव कर रही है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक पोर्शन दिया ए और बी, यहाँ पे ए बी क्या शो कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट जिसका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट क्या है बी। वेक्टर की टर्म्स में हम इनिशियल पॉइंट को तो इनिशियल पॉइंट से कॉल करते हैं और फाइनल पॉइंट को मोस्ट प्रोबेबल किससे कॉल करते हैं, टर्मिनल पॉइंट। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं और जो लास्ट का पॉइंट होता है जहां वो टर्मिनेट होती है उसको कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। तो यहाँ पे जो ए और बी है ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इसका डायरेक्टेड का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, तो ये आपको मैग्नीट्यूड देगी और ये आपको क्या देगी, डायरेक्शंस। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बन के क्या बन गई, ये वेक्टर। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, यहाँ पे एग्जांपल ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पे ए बी ये क्या है हमारी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो ये क्वांटिटी क्या बन गई आपकी, वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं सिंबल एरो हेड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ए बी, ए बी, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, फिर ए बी और फिर एरो हेड, ऐसे ये शो करता है कि ए बी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर एक एरो हेड लगाया जाता है, तो एरो हेड से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या है कि किसी क्वांटिटी पर कोई एरो हेड मार्क नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्वांटिटी कौन सी होगी, स्केलर क्वांटिटी। यदि किसी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसके ऊपर क्या लगाना होगा आपको, एरो हेड। तो जो फर्स्ट लेटर दिखाई दे रहा है ए और सेकंड लेटर दिखाई दे रहा है बी, ये शो करता है कि जो ये वेक्टर क्वांटिटी है इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ए से बी की तरफ है, ठीक है, इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते आप। यदि इसका ऑर्डर चेंज कर दोगे, यहां आप लिख दोगे बी ए वेक्टर, तो ये वेक्टर चेंज हो जाएगा, ये आपका सेम वेक्टर काउंट नहीं होगा, ये वेक्टर आपका डिफरेंट वेक्टर काउंट होगा, वो हम डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर क्या लगाया जाता है, एक तो एरो हेड लगाया जाता है, या तो आप उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को लिख के उसके ऊपर एरो हेड लगा दो, उससे भी उसको क्वांटिटी या लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करा जा सकता है, या आप इसको कुछ स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे मैंने इसकी लेंथ को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल ए, ठीक है, ये स्मॉल ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी की, और क्योंकि लाइन सेगमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, एरो हेड। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या यूज करना होगा, एरो हेड। तो यहाँ पे मैंने एक ये लाइन लिखी है, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शंस भी होती है, इसलिए ये क्या बन जाएगी आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी। सो प्लीज मेक अ नोट, नाउ लुक एट द बोर्ड, जो मैं एक पॉइंट नोट करना है आपको, लेंथ इज नेवर नेगेटिव। अभी हमने लाइन सेगमेंट लिया, आपको पता है लेंथ क्या कभी नेगेटिव होती है, नहीं, कभी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, कोई साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू जीरो हो सकती है बट वो नेगेटिव नहीं हो सकती। और लेंथ ही क्या रिप्रेजेंट करती थी आपका, मैग्नीट्यूड। इट मींस जो क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर उसका मैग्नीट्यूड होगा और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस चीज को समझिए।
तो यहाँ मैंने एक लिखा लेंथ इज नेवर नेगेटिव, इट मींस मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। अब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ए बी एक वेक्टर की बात करता हूँ, ए बी इज एनी वेक्टर, तो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करूंगा? आप वेक्टर लिखिए और दो पैरेलल लाइन लगाइए, जैसे मैंने यहाँ पे दो पैरेलल लाइन लगाई है ना, कि दो पैरेलल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? इसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो ए बी वेक्टर ये क्या है? रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड। और एक सिंपल, इससे भी सिंपलर वे होता है कि जब आप एरो हेड हटा देते हो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी पे और उसको लिखा जाता है, तो हम उसको क्या मान के चलते हैं? हम उसे उसका मैग्नीट्यूड मान के चलते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल इसमें एक और एग्जाम्पल लेता हूं, ए वेक्टर इज एनी वेक्टर है, ये कोई भी एक वेक्टर है, तो जब मैंने इसके आगे तो पैरेलल लाइन लगाई तो ये क्या बन गया? इसका मैग्नीट्यूड। और यदि मैं इस वेक्टर के ऊपर से वेक्टर का साइन हटा देता हूँ, एरो हेड रिमूव कर देता हूँ, तो सिंपली क्या बन जाएगा? ये ए। तो यहाँ पे सिंपली ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ वेक्टर ए का। क्लियर है? तो इन द सेंस जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी गई है कि लेंथ नेवर बी नेगेटिव, इट मीन्स क्या है कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो लेस देन जीरो, लेस देन जीरो क्या है? नॉट पॉसिबल, ये चीज कभी पॉसिबल नहीं होती। समझ आ गया? तो ए का मैग्नीट्यूड इज नॉट लेस देन जीरो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, पोजिशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर, आप सेकंड डेफिनेशन हमारी पहले हमने समझा कि वेक्टर क्या चीज है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ? उसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, उसका टर्मिनल पॉइंट कैसा होता है, कैसे पता चलता है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। जैसे इसका नाम ही इंडिकेट करता है पोजीशन, इट मीन्स ये किसी भी पॉइंट की, किसी भी पॉइंट मतलब यहाँ पे क्या बात करेंगे, ऑब्जेक्ट की। जैसे ये मार्कर है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इस मार्कर की पोजीशन मुझे विद रिस्पेक्ट टू अपने क्लासरूम में रिप्रेजेंट करनी हो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट से विद रिस्पेक्ट टू, तो उसका क्या कहूंगा? उसको कहूंगा मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको रीड करिए जरा। Let us take a point P in the space. तो पहले मैं एक space बनाता हूँ, 3D space. आपने class 11th में 3D space बनाया है, सीखा है आपने? जहाँ पे 3D space में means जहाँ पे तीन axis होती है, x axis, y axis, z axis. तो कैसे बनाते हैं figure? मैं जैसे ऐसे figure बना देता हूँ, ये figure किसको represent करता है? 3D figure को। Suppose मैं इसको x axis नाम देता हूँ, इसको y एक्सिस एंड दिस वन को z एक्सिस, तो x, y, z, तो ये 3D स्पेस बन गया। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैं डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि आपको क्या लेना है? एक पॉइंट लेना है P इन द स्पेस। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया P, ये मेरा एक पॉइंट है P। हैवी कोऑर्डिनेट, अब आपको पता है जैसे आप एक्स वाई प्लेन ग्राफ पे किसी पॉइंट को प्लॉट करते हो 3,2, 3,2 का मतलब क्या होता है कि along x axis आप 3 स्टेप जाओगे, along y axis आपको कितने स्टेप जाना है? 2 स्टेप, यही इंडिकेट करते हैं इट्स कोऑर्डिनेट। तो ये इंडिकेट क्या करता है कि आपको x स्टेप along x axis जाना है, y स्टेप along y axis जाना है एंड z स्टेप along z axis जाना है। तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमारे क्या रेट करें, हमें x, y, z। क्लियर है? फिर कहता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजन, ओरिजन आपको पता है ये पॉइंट क्या कौन सा होता है आपका ओरिजन, और ओरिजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0,0। क्लास 10th में आपने सीखे थे 0,0, क्योंकि वहां पे दो एक्सिस यूज होती थी एक्स और वाई। 11th में आप सीख चुके हो 3 एक्सिस होती है एक्स, वाई, जेड, तो तीनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है ओरिजन पे? 0।
जो पोजीशन वेक्टर निकलता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो निकलता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहां पे पोजीशन वेक्टर की बात करूंगा तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, इनिशियल पॉइंट हमारा कौन सा है, ओरिजिन। ये हमारा ओरिजिन है, इनिशियल पॉइंट, और ये हमारा टर्मिनल पॉइंट है। तो यहां पे वेक्टर कौन सा काउंट होएगा, ओ पी, क्योंकि इस ये इनिशियल पॉइंट ओ है और फाइनल पॉइंट क्या है, पी। तो ओपी को हम क्या कहेंगे, ओपी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। आगे रीड करिए, द वेक्टर ओपी हैविंग ओ एंड पी एज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। तो ये क्या बन गया, इसका पोजीशन वेक्टर। नाउ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपको पता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है उसको पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जहां भी, यहां पे आप एक चीज सीखेंगे आप, क्या आर, स्मॉल आर, जहां पे भी आपको वेक्टर 3D में स्मॉल आर दिखाई दिया जाता है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है ऑफ द पोजिशन वेक्टर को। तो याद रखिएगा, कहीं भी आपको स्मॉल दिखाई दे रहा है इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। और पोजीशन वेक्टर को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, स्मॉल आर से। इसको ध्यान से रखिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज होती है। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड का मतलब होती है लेंथ, इसका मतलब आपको ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। और ओपी इज अ लेंथ, ओपी क्या निकालनी है आपको, लेंथ। और आप क्लास 11th में सीख चुके हो कि लेंथ कैसे निकालते हो, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। किससे निकाल सकते हो आप, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। 10th क्लास में था डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या था, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब दो एक्सिस थे, यहां तीन एक्सिस है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था 11th क्लास में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। उससे क्या निकल जाएगा आपका, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या आएगा आपका, x2 प्लस y2 प्लस z2। क्यों, क्योंकि जब आप इन दोनों पॉइंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट तो 0 0 0, इसका मतलब x1 की वैल्यू भी 0, y1 की वैल्यू भी 0, z1 की वैल्यू भी 0, और x2, y2 और z2 ये xyz, तो x2 माइनस x1 इट मींस x माइनस 0 मतलब x ही आएगा, y माइनस 0 y1 वो भी 0 इट मींस y2 आएगा z2। तो यही आपका क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो मैं यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लिख भी देता हूँ दोबारा से, कैसे निकाला हमने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, अब यहां पे इस केस में हमारे x1 y1 z1 कितने हैं, 0, 0, 0, और x2, y2, z2 वो कितने हैं हमारे, x y z। अब दोनों को डिस्टेंस फॉर्मूला में रखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x2 प्लस y2 प्लस z2 मींस मैग्नीट्यूड का आपके पास फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया मैग्नीट्यूड का, पोजीशन वेक्टर का, कि r इज इक्वल टू क्या होता है, x2 प्लस y2 प्लस z2 का स्क्वायर रूट। इसको अपना फॉर्मूला 1 बना देना, और जितने भी कॉन्सेप्ट में हम रिलेशन सीखेंगे वही हमारे क्या बन जाएंगे, फॉर्मूले बन जाएंगे। इसलिए पहला फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर का याद हो गया आपको, r इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट x2 प्लस y2 प्लस z2। तो प्लीज मेक अ नोट, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां पे एक पॉइंट लिया जाए, दो तीन पॉइंट लेकर दिखाता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक्सिस बनाया, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस वन इज जेड एक्सिस। ये हमारा एक 3D स्पेस है, ठीक है।
यहाँ 3D स्पेस को एनालाइज करने का मतलब यहाँ समझिए इस टाइप से, जैसे ये मैं 3D ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक रूम बनाता हूँ आपको दिखाई देगा उससे, आप उसको उसी टाइप से इमेजिन करिएगा और ये समझिएगा। जैसे आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये आपका अपना घर जहां बैठे हुए हो, क्लासरूम में बैठे हुए हो या आपने रूम घर में बैठे हुए हो, तो अपने रूम में कहीं पे भी आप बैठे हुए हो, अब अपने माइंड में एक फोकस करना है, किस पे, एक कॉर्नर पॉइंट को सर्च करना है, उसको ध्यान से फाइंड आउट करिएगा। जैसे मैंने इस कॉर्नर पॉइंट को अपना क्या बना दिया, ओरिजन, ये मेरा ओरिजन है, और इस एक्सिस को देखो, इस एक्सिस को मैंने क्या बना दिया, एक्स एक्सिस, इस एक्सिस को क्या लेट कर दिया मैंने, जेड एक्सिस, इस एक्सिस को क्या लेट करा, वाई एक्सिस। तो अपने रूम में किसी भी एक पॉइंट को फोकस करिए और कहिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो आपके माइंड में एक उसकी इमेज क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टाइप से इमेजिन करेंगे तो ही चैप्टर सॉल्व होगा, नहीं तो ये टफ लगेगा। क्लियर है? तो मैंने इसका जो आपको लाइन दिखाई दे रही है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसी पे फोकस कर रहा हूं। अब मैंने बाकी की लाइनों को रब कर दिया तो व्यू आपको ऐसे दिखाई देगा। अब यहाँ पे जैसे 3D स्पेस में यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज करा ये मेरा एक पॉइंट है ए पॉइंट, ये सपोज करता हूँ ये मेरा बी पॉइंट है, ये सपोज करता हूँ ये पॉइंट मेरा सी पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट है कहाँ मेरे, ये एयर में है, स्पेस में है, तो इसी को मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये मेरा ए पॉइंट है, दिस वन इज बी पॉइंट, दिस वन इज सी पॉइंट। अब मुझे इनकी पोजिशन डिफाइन करनी है, तो पोजिशन ओरिजिन से रिस्पेक्ट में होती है, तो ये मेरा ओरिजिन काउंट होगा इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको मिला दीजिए ओरिजिन से, इसको मिला दीजिए, ये ए पॉइंट है, इसको आप नाम देना चाहते हो जैसे ओ ए वेक्टर। वैसे मैं इस पॉइंट को क्या जानता हूं, कैपिटल में नाम दे देता हूं ताकि और आपको समझना आसान हो जाए, ए बी सी। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ओ ए वेक्टर। और इसको मैं थोड़ा सिंपल वे से याद करने के लिए इसको क्या नाम देता हूँ, ओ ए वेक्टर को मैं सिंपली क्या नाम देता हूँ, ए वेक्टर। तो ये मेरा क्या बन गया, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर मेरा क्या है, पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि इसकी पोजीशन कहां से डिफाइन की गई है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये बन जाएगा मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना है, ये वेक्टर। ऐसे ही मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं, इसको नाम दे देता हूं बी। तो जो मेरा ओ बी वेक्टर है, ये मेरा क्या बन गया, सिंपली बी वेक्टर। ऐसे ही ये ओ सी वेक्टर, ये सिंपली मेरा क्या बन गया, सी वेक्टर। ठीक है, समझाइए? तो कई बार शॉर्ट फॉर्म में हम पोजीशन वेक्टर को पी डॉट वी लिख देते हैं, तो इसमें पजल मत होना, पी डॉट वी ऑफ ए की बात कर रहा हूं। तो क्या आएगा, P मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ A, A वेक्टर है, ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ B, वो B वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ C, C। तो हम इतना बड़े नेम से काफी इग्नोर करते हैं और उसको शॉर्टर नेम से ज्यादा कॉल करते हैं, इसलिए आपको दोनों नोटेशन आनी चाहिए कि सिर्फ पजल नहीं होगी कि क्या होता है। तो जहां पे ओरिजिन इन्वॉल्व हो जाता है किसी की पोजीशन में, तो उस वेक्टर को क्या कहा जाता है, पोजीशन वेक्टर। तो ये ओ ए ओ बी ओ सी आर द थ्री पोजीशन वेक्टर्स। ये चीज माइंड में क्लियर हुई, इमेज ध्यान से समझिएगा। अब ऐसा व्यू बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, 3D व्यू, हम उसका ऐसा व्यू जनरेट करेंगे, तो इस व्यू को कंपेरिजन करिएगा अपना 3D व्यू से, तो आपके माइंड में एक स्पेस की पोजीशन का एक फिगर क्रिएट होगा, जिसको आप इमेजिन करके आप इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई? तो ये टॉपिक हमारा क्या था, पोजीशन वेक्टर। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अभी हम ज्यादा एक टॉपिक को कंटिन्यूसली नहीं करेंगे, कि वन बाय वन टॉपिक को आपको क्लियर करना है, ए टू जेड कॉन्सेप्ट। धीरे धीरे थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ये, फिर तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए, कैसी मर्जी स्टेटमेंट का आप इजिली सॉल्व कर लोगे, पजल नहीं होगे,
क्योंकि कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे हम कुछ लेक्चर कंटिन्यूसली अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ओनली जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट। तो अपने घर में यदि आपको पॉसिबल हो सके एक मॉडल बनाइए 3D रूम ऐसा इस टाइप का, तो उस मॉडल को देखिए, उसके अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस मेंशन करिए, फिर देखिए तो कितना इजी लगेगा। तो अभी तक हमने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अब हम थोड़ा सा टिपिकल लेवल चलेंगे इन नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप इस वीडियो के हर कॉन्सेप्ट को, यदि आपको नहीं डाउट है, इसको 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार देखिए, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करते जाइए। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दिस इज आवर लेक्चर 1, सो वी विल डू कंटिन्यू इन आवर लेक्चर 2, सो प्लीज बी रेडी फॉर द सेकेंड लेक्चर, वी विल मीट वेरी सून विद टेक अ न्यू लेक्चर ऑन द वेक्टर अलजेब्रा एंड द 3D। थैंक यू वंस अगेन।